हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बाजरे और तिल की मीठी मठरी, पिटोए या टिक्की, जो चाहे आप कह लें, सर्दियों की खास रेसिपी। बाजरा या पर्ल मिलेट बाकी मिलेट्स की तरह ही बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस ग्रेन होता है। इसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन्स की बहुतायत होती है। आयुर्वेद के हिसाब से इसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में जरूर खाना चाहिए। वहीं हमारे तिल या सेसमे सीड्स, छोटे छोटे बीज, पर बहुत बड़े फायदे। इनके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम और मैग्नीशियम सभी कुछ बहुत अच्छी मात्रा में होता है, हमको जरूर खाना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, लेट्स बिगिन द रेसिपी। ये है 2 कप बाजरे का आटा, आधा कप तिल, 1/3 कप गुड़ जो मैंने कद्दूकस करके बारीक पीस लिया है, 2 चम्मच घी, दालचीनी पाउडर, सौंठ पाउडर, 1 पिंच नमक और थोड़ी सी बारीक वाली सौंफ, साथ ही तलने के लिए तेल और गरम पानी। शुरुआत करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले आटा लगाते हैं। तो हमने अपने आटे को, आटे में डालते हैं अपने तिल, सौंठ, दालचीनी, 1 पिंच नमक, सौंफ, बारीक वाली चलेंगी इसमें, मोटी सौंफ मत डालिएगा, बारीक ही अच्छी लगती है, और घी। इसमें मोयन हम नॉर्मल जो आटे की पूरियां बनाते हैं, मीठी पूरियां, उतना नहीं डालते हैं, थोड़ा सा कम डालते हैं, नहीं तो ये पूरियां जो होती हैं भुरभुरी होके टूटने लगती हैं तलते हुए। तो पहले हम इसको अच्छे से मल लेते हैं आपस में, दोनों हाथों से इस तरह से, ताकि हमारे आटे के हर कट पर अच्छे से घी और ये जो हमने स्पाइसेस डाले हैं वो मिक्स हो जाएं, इनका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम अपने गुड़ का मिक्स बनाएंगे। तो गुड़ को मैं एक कटोरे में डाल देती हूँ और साथ ही डाल देती हूँ लगभग आधा कप पानी। ये पानी उबलता हुआ है तो गुड़ एकदम से इसमें मिक्स हो जाएगा। गुड़ को हमें खाली घोलना ही है, इसमें हमें पकाना नहीं है। अब हम इसको, गुड़ को छलनी से छानकर अपने आटे में डाल लेते हैं, ताकि अगर कोई इम्प्योरिटी गुड़ के अंदर हो तो वो निकल जाए। और तो क्योंकि अभी हमारा ये गर्म हो रहा है पानी, तो हम इसे चम्मच से मिक्स कर देते हैं, इसे अपने हाथों की मदद से अच्छे से घूम देते हैं। हमको इसके लिए सॉफ्ट डो ही चाहिए होता है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून पानी अलग से और डाला है और अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गूंथ चुका है। इसको मैं अब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, उसके बाद हम बनाएंगे अपनी मीठी पूरियां। अब हम सबसे पहले कढ़ाई में अपना तेल चढ़ा देते हैं। जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम अपनी आटे को थोड़ा सा और मलमल के सॉफ्ट कर लेंगे, और सॉफ्ट कर लेंगे। ये पूरियां हमको मीडियम टू हाई आंच पे तलनी होती है, बहुत हल्की आंच पे, जैसे बाकी आटे की पूरियां वगैरह तली जाती हैं मीठी वाली, उस तरह से इसे नहीं तला जाता है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा कड़ी हो जाती है। तेल भी हमारा तैयार हो चुका है, अब हम आंच अपनी थोड़ी सी हल्की कर देंगे और अपनी पूरी को डाल देंगे। तो हमारा पहला बैच जो पूरियों का है तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर कलर आया है,
एक बार में ये तीन पूरियां तलने में हमें 2 से 3 मिनट का समय लगा है। तो हमारी बाजरे की और तिल की पूरियां बनके हैं एकदम तैयार, एकदम खस्ता पूरियां बनी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बनाने में बहुत आसान होती है। बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है कि जैसे नॉर्मल पूरी में, नॉर्मल आटे की पूरी में जितना मोयन पड़ता है उसमें थोड़ा कम पड़ता है, और इसको हम थोड़ी सी तेज आंच पे सेकते हैं। आई होप यू हैड फन वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज हिट लाइक, और मेरे साथ ऐसे और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।